बिल्कुल सही है। मैं भी कल मीटिंग में थी, मैंने भी देखा कि तमाम स्टेट्स के जो एमपीज़ हैं उनको बड़ी मायूसी है। मुझे भी बहुत मायूसी है कि झारखंड एक पिछड़ा राज्य है, जबकि यहाँ इतने खनिज पदार्थ हैं कि पूरे देश को झारखंड सप्लाई करता है, कोयला लोहा से लेकर तमाम कीमती मिनरल्स, और उनके लिए भी अलग से कोई विशेष कुछ भी नहीं दिया गया, जबकि वहाँ महिलाओं के लिए पहले ट्रैफिकिंग की समस्या थी, डायन हत्या, तमाम चीज़ें रोजगार के लिए हम स्टेट गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से कर रही है, लेकिन चूंकि कोयले की रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ बार बार मांगने पर भी नहीं मिल पाया है पूरा, तो उसको लेकर स्टेट के पास पैसों की कमी है। ऐसे में अगर झारखंड को दिया जाता कुछ विशेष तो वहाँ के लोगों को खुशी होती, बल्कि बहुत सारी उम्मीदें भी थी। वहाँ कुछ जैसे आग लगी की घटना है कोयले के खदान में, वो सब बुझाने के लिए, और बहुत सारे रेलवे के लिए भी चाहिए था, रेल के लिए बारे में तो बात ही नहीं की गई, जबकि लाइफ लाइन है रेलवे। तो इस तरह से चूंकि इस बजट में सिर्फ उन लोगों को खुश करने की कोशिश की गई है जिनकी मदद से केंद्र में सरकार बनी है भाजपा की, तो इस तरह से देश में जहाँ लोकतंत्र है इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मायूसी है। और खास करके महाराष्ट्र तो इनका अलायंस के साथ चल रहा स्टेट है। महाराष्ट्र में पिछले 10 साल से, जैसे मैंने कल कहा था, प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना कल घोषित की है, यूनियन बजट नहीं था वो, वैसे ही प्रधानमंत्री महाराष्ट्र विरोधी योजना कल बजट में दिखाई दी। जब महाराष्ट्र 10 साल से, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला है। हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट है, हर एक रुपया जो जाता है केंद्र के पास उससे हमें सिर्फ वापस 3 पैसे से लेकर 8 पैसे तक मिलते हैं। ये शर्मनाक है कि आज तक महाराष्ट्र के हित का काम नहीं किया, और बाकी सारे राज्यों में भी, चाहे तमिलनाडु हो, केरला हो, वेस्ट बंगाल हो, सेम भेदभाव देखा गया, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो आए थे कह रहे थे कि विपक्ष को आके सदन में बात करनी चाहिए, हर बातों पे चर्चा होगी। बिल्कुल चर्चा करेंगे हम, विपक्ष में रहकर हम बाहर भी करेंगे, संसद के अंदर भी करेंगे, रास्तों पे भी करेंगे, और जनता के हम सभी लोग जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को MSP मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है, ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं, और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा? तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ, लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया, उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। अज का जो सा प्रोटेस्ट है, जिस प्रकार बजट आया और बजट के पंजाब को अनदेखा किया गया, असी आपके हकों की लड़ाई वास्ते और पंजाब के वास्ते अज असी यह प्रोटेस्ट किया, पूरे का पूरा बजट आंध्र प्रदेश और बिहार को लुटा दिता गया, क्योंकि अलायंस पार्टनर है, अगर उन्होंने इग्नोर किया गया तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन पंजाब के नाल बॉर्डरिंग स्टेट है, फ्लड आया पंजाब के अंदर पिछली बारी, हजारा एकड़ फसल तबाह होगी, 10,000 करोड़ का नुकसान हो गया, ईवन की कई स्टेटों इन्होंने कहा कि फ्लड असिस्टेंस असी देंगे, लेकिन पंजाब को उस पक्षों भी इग्नोर किया गया। मैंने लगता कि ना कि पंजाब के लोग और पंजाब के किसान और पंजाब के व्यापारी देश के प्रधानमंत्री की अख में रड़कते हैं, इस करके उन्होंने पंजाब के नाल इस तरह का विकरा किया, क्योंकि एक भी सीट 26 साल बाद पंजाब ने बीजेपी को नहीं दी। सो इस करके केरला के नाले विकरा होया, जिथे जिथे एक भी सीट बीजेपी नहीं आई उथे टोटली इग्नोर पंजाब के
तो मुकुल वासनिक जी का कुर्ता नजर आता है, ये देश को इसी प्रकार से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोदी जी का कुर्सी बचाओ बजट है, सत्ता बचाओ बजट है, बदला लो बजट है। इस बजट से देश के 90% प्रांत और 90% से अधिक लोग अलग थलग कर दिए गए हैं। बजट बीजेपी की सत्ता बचाने के लिए नहीं हो सकता, देश की जनता की भलाई के लिए होना चाहिए, परंतु मोदी सरकार का बजट केवल और केवल बीजेपी की सत्ता बचाओ बजट बनकर रह गया। बजट संघीय ढांचा के खिलाफ है, राज्य को उसके कलेक्शन के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार, आबादी के अनुसार कई क्राइटेरिया, उसका उल्लंघन हो रहा है। उसके खिलाफ हम लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और बैठे हुए हैं। शुक्रिया। एक तो जो वास्तव में पिछड़े राज्य हैं उनकी अनदेखी की गई, उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य की नाम तक लिया गया, कुछ देना तो दूर है, केवल प्रधानमंत्री को दे दिया गया झुंझुना और कुछ भी नहीं। और इसके अलावा जो चाहिए लोगों को सरकार बचाए रखने के लिए, कुछ को तो पैसा दे रहे हैं, दूसरों का हिस्सा काट रहे हैं। बहुत ही